नमस्कार दोस्तों, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो हमारी कैंडल है वो है बेरिश इनगल्फिंग। कल की कैंडल अगर आप लोगों ने देख ली है, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और अपना जो भी सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे जरूर बताइएगा। तो आज की हमारी कैंडल है वो है बेरिश इनगल्फिंग। कल की जो हमारी कैंडल थी वो थी बुलिश इनगल्फिंग। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग के लिए क्या क्या पैटर्न हमें चाहिए, क्या क्या रूल्स है, क्या क्या कंडीशन बननी चाहिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे किताबों में हम पढ़ते हैं उस तरीके से नहीं, मैं यहां पे प्रैक्टिकली वो सारी चीजें बता रहा हूं कि कब इसे हम फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह बेरिश इनगल्फिंग या बुलिश इनगल्फिंग को हम फॉलो नहीं करेंगे, नहीं तो जाके हम ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि मार्केट का ट्रेंड जो होगा वो अप ट्रेंड होगा, यानी मार्केट एक डायरेक्शन में चल रहा है, वो ऊपर की साइड में, यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड में कंटिन्यू यहाँ पे जा रहा है। और हो सकता है, देखिए ऐसे जरूरी नहीं है कि हर कैंडल रेड ही बनते हुए जाए, ग्रीन ही बनते हुए जाए, बीच में कोई कैंडल एकाध रेड भी बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रेड बना लिए, अब फिर से वापस हम ये ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसको चलते हैं। फिर मैं आप लोग को इसके जो सारे पैटर्न रूल्स हैं और इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ और कब कब इसे हमें फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट था, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर की साइड में निकलता हुआ चला गया और उसके ऊपर जाके यहाँ पे एक कैंडल बनती है, उसको हम बोलते हैं, देखिए कैंडलस्टिक, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखिएगा ये डबल कैंडलस्टिक बता रहा हूँ, यानी दो कैंडल मिला के बनती है। तो ये जो दोनों कैंडल मिल के हो गई, तो ये दोनों कैंडल मिल के इसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग में पहली चीज़ क्या होगी कि मार्केट एक ट्रेंड यानी अप ट्रेंड में चलेगा। अप ट्रेंड में जाने के बाद ऊपर की साइड की जो ग्रीन वाली कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल जो बनेगी उसके बाद जो रेड कैंडल बनेगी वो बड़ी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनेगी, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेगी। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी है, तो इस रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, यानी इनगल्फ कर लिया है, तो इसलिए इसका नाम बेरिश इनगल्फिंग है। और ये बेरिश इनगल्फिंग जो है ये रिवर्सल पैटर्न है, मतलब मार्केट यहाँ से क्या सजेस्ट करेगा कि अब मार्केट में जो अभी तक मार्केट में यहाँ पर बुल हावी थे, हो सकता है कि अब बेयर हावी हो। देखिए अभी ये हो सकता है, पैटर्न बना है, ये कन्फर्म नहीं हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफर्म होने के बाद हम ट्रेड करते हैं, सिर्फ बन जाने पे हम ट्रेड नहीं करने हैं, बनने के बाद इसको कंफर्म करना पड़ता है। जब कंफर्म हो जाएगा तब हम इसको ट्रेड करते हैं और तब जाके आपको पैसा मिलेगा। ध्यान रखिएगा ये एक ट्रेंड बहुत अच्छा, जितना अच्छा ट्रेंड, देखिए जल्दीबाजी में बन ढूंढिए, सिर्फ काउंट करके मत ढूंढिए, आप ये देखिए कि कितना स्ट्रांग ट्रेंड गया है। जितना स्ट्रांग ट्रेंड गया होगा उतना ही स्ट्रांग उसका रिवर्सल भी आएगा। दो चीज़ें मैं कंटिन्यू बता दूं, जब कोई न्यूज़ हो और उस जगह पे ये बनते हुए दिखे तो उसको इग्नोर कीजिए। मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज़ हो, मार्केट इंट्राडे में चल रहा है और इंट्राडे में जाके यहाँ पे बन गया, तो इसको इग्नोर कीजिए। ध्यान रखिएगा जब कोई अच्छी न्यूज़ हो या अच्छा सेंटिमेंट होगा तो ये वर्क नहीं करेगी। मैं कंटिन्यू बार बार, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बुलिश इनगल्फिंग किस जगह पर वर्क नहीं करेगी। तो मार्केट में अगर कोई सेंटिमेंट बहुत अच्छा है और ये यहाँ पर बन रहा है तो ये वर्क नहीं करेगी। सबसे अच्छी जगह पर ये, मान लीजिए अगर हमने बैंक निफ्टी ट्रेड किया है, तो बैंक, मान लीजिए हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी जगह पे ये कहाँ पे वर्क करेगी। अब ये देखिए मार्केट, जैसे बैंक निफ्टी का जो होता है 40,000, अभी मान लीजिए कि 40,000, फिर 40,500, 41,000, फिर यहाँ पे हम 41,500 या फिर यहाँ पे 39,500, तो इस जगह के पास में जब भी पहुंचेंगे, यानी इस जगह के आसपास हम जब भी पहुंचेंगे, मान लीजिए 400 से लेकर के 600 के बीच में कभी जब भी पहुंचे और एक अच्छे ट्रेंड के बाद पहुंचे, मान लीजिए कि मार्केट बैंक निफ्टी यहां से स्टार्ट करता है, ये जो लेवल है वो लेवल है 40,000, ठीक है, और 40,000 के लेवल से ये कंटिन्यू स्टार्ट करता है, 40,000 के लेवल से पहुँच गया ये 40,250, ठीक है, 40,250, तो इस जगह पे उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। कहाँ पे अच्छा वर्क करेगा, या तो यहाँ पे कोई पहले से ही रेजिस्टेंस हो, जैसे कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस इसी के आसपास मिल गया, जरूर नहीं किसी जगह पे मिले, थोड़ी दूर होगा या थोड़ा सा पहले थोड़ा सा क्रॉस करके भी जा सकता है, या फिर हो सकता है कि कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, जैसे हम ट्रेंड लाइन देखते हैं, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस उसी जगह पर आ रहा हो तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अब मान लीजिए कि 40,200 से जा रहा और 40,200 जाते जाते ये 40,450 के पास पहुंच गया, या 40,500 पहुंच गया, हो सकता है 40,500 पहुंच जाए, हो सकता है 40,550 पहुंच जाए, और उस जगह पे अगर ये बनेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। देखिए राउंड फिगर के आसपास जो 500 वाला राउंड फिगर होगा ना, उस जगह के आसपास पहुंचेगा तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर वर्क अच्छा करेगा, मैं वो बता रहा हूँ। कंडीशन देखिए, जब बेस्ट बनता है ना, जब सेटअप आपका बेस्ट बनता है तब हम ट्रेड करते हैं। सिर्फ सेटअप बनने से ट्रेड करने वाले लोगों में से हो तो पैसा नहीं बनेगा। सेटअप को बेस्ट जगह पर जाकर बनने दो, तब उस पर इंप्लीमेंट करो तो पैसा बने।
बनेगा, भले ये महीने में आपको 5 दिन बने, 4 दिन बने, 10 दिन बने, या हो सके कि 4 दिन 5 दिन बाद इंट्राडे में किसी एक दिन बने। तो इसी तरह से हमारे पास कई सारी कैंडल हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बनता रहता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि कहाँ पे वर्क अच्छी तरीके से करेगा और कहाँ पे वर्क नहीं करेगा, ये सब सारी चीज़ें ध्यान रखो। अगर 200-300 के पास कोई पैरेलल लाइन का रेजिस्टेंस है, कोई ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पर भी वर्क करेगा। लेकिन इन जगहों पर बहुत अच्छा वर्क करेगा, यहाँ पर रिवर्सल बहुत अच्छी तरीके से मिलता है अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं तो। अगर हम ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये स्टॉक्स है, हम स्टॉक को ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में भी ध्यान रखिएगा। अगर 500 वाला स्टॉक्स है तो 500, 550, 600, 650, 1000 वाला स्टॉक्स है तो 1000, 1100, 1200, 1300 ऐसी जगहों पे अच्छा वर्क करेगा। या फिर कोई सपोर्ट, कोई रजिस्टेंस इसको ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन का मिला, कोई मूविंग एवरेज का मिला, कोई इंडिकेटर आप यूज़ करते हो उसका रजिस्टेंस वहाँ पर मिल गया, तब वो अच्छी तरीके से वहाँ पर वर्क करेगा। तो ये कल वाली वीडियो में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये कैंडल कितने मिनट की रहेगी। देखिए कैंडल मैं 5 मिनट ही यूज़ करता हूँ, तो मैं 5 मिनट पे ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट पे। और डेली पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये मान के चलिएगा कि अगर ये 5 मिनट का है और बैंक निफ्टी हम ट्रेड कर रहे हैं ये 5 मिनट का है, तो ऊपर जाने के लिए देखिए कल की वीडियो में मैंने कुछ बताया था बुलिश इंगल्फिंग के लिए चीज़ें अलग रहेंगी, ये ध्यान रखिएगा। हर चीज़, हर कैंडल पर कुछ ना कुछ चेंज है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मान लीजिए अगर बैंक निफ्टी का ये ट्रेंड चल रहा है, ग्रीन कैंडल यहां पे बनती हुई जा रही, तो कम से कम ग्रीन कैंडल 8 होनी चाहिए। अब 8 ग्रीन कैंडल का मतलब ये नहीं हो रहा कि ये पूरी 8 ग्रीन हो। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहां 8 बन गई, हो सकता है इस 8 में बीच में 2 रेड हो, चलेगा। लेकिन ट्रेंड मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इसका अपसाइड का बना हुआ है। तो 8 ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ये फिर कैंडल बने, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल यहां पे डेवलप हो, उसके बाद हम इसको ट्रेड करेंगे। बेरिश इंगल्फिंग ट्रेड करने के लिए जब ये कैंडल बन जाए, हाँ, तो ये सेकेंड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है ना, इसके नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पे एंट्री होगा। एंट्री हमारा कहाँ पे होगा, ये सेकेंड कैंडल जब आएगा तब। ध्यान रखिएगा इसमें 8 कैंडल कम से कम बननी चाहिए, ग्रीन कैंडल 8 कैंडल बननी चाहिए, तब हम फॉलो करेंगे। देखिए जो बेरिश कैंडल, बेरिश में है ना थोड़ा सा मोमेंटम कम भी होता है ना, तो जब रिवर्सल आता है अप ट्रेंड मार्केट में तो अच्छा मिल जाता है। लेकिन बुलिश में रिवर्सल आने के लिए और अच्छा ट्रेंड चाहिए होगा। मैं बोल रहा हूँ जितना अच्छा ट्रेंड होगा, जितना ये 10 की जगह 12 बन गई, 15 बन गई, और उसके बाद किसी रेजिस्टेंस के आसपास जाके ये बेरिश इंगल्फिंग बनती है, तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया, और एंट्री के बाद जैसे हमने बुलिश इंगल्फिंग में क्या बताया था बैंक निफ्टी में, कि आप ये मान के चलना कि बुलिश इंगल्फिंग में बैंक निफ्टी बनेगा तो 0.33। यहाँ पर आप जो ये रिवर्सल गया है ना, उस रिवर्सल का लगभग 40% ये यहाँ पर आपका पहला टारगेट रहेगा। पहला टारगेट इस रिवर्सल का 40%। मान लीजिए बैंक निफ्टी यहां से अगर 300 पॉइंट ऊपर गया है, तो पहला टारगेट मेरा यहां पे जो रहेगा वो टारगेट रहेगा लगभग 120-130 के आसपास का मेरा ये टारगेट यहां पे रहेगा, अगर बैंक निफ्टी यहां से 300 पॉइंट का रिवर्सल गया हुआ तो। मिनिमम ध्यान रखिएगा जो रिवर्सल होना चाहिए, जो ट्रेंड होना चाहिए, ये ट्रेंड मिनिमम 200 पॉइंट का होना चाहिए। अगर हम अप ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं और हमें यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग देखना है, देखिए बुलिश इंगल्फिंग के लिए मैंने दूसरा बताया, इसलिए हर वीडियो को नहीं देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि मैं ये एक्सपीरियंस जो मैं ट्रेड करता हूँ वो बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये बहुत अच्छा वर्क करेगी, कहाँ पर इसका जो रेशियो है, सक्सेस रेशियो है, वो आपका 70-80% मिलेगा। वो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किताब ही नहीं बता रहा हूँ आप लोग को, तो इसको लिख लो कहीं पर, ध्यान से देखो, उसको इंप्लीमेंट करो जब भी बने। तो कम से कम मोमेंटम अब मुझे कितना चाहिए होगा, अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तो कम से कम यहां पे मुझे 200 पॉइंट का चाहिए, प्लस 8 कैंडल बननी चाहिए। ये 200 पॉइंट जो होने चाहिए वो 8 कैंडल में बननी चाहिए, या हो सके 200 पॉइंट की जगह ये 300 पॉइंट बन गया 8 कैंडल में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 8 कैंडल कंपलसरी है, और 200 से कम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जो मोमेंटम गया है ना, ये कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है, 200 पॉइंट और 8 कैंडल, यहाँ पे 8 कैंडल बननी चाहिए, तभी मैं इस पैटर्न को मानूंगा कि ये हमारी बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे बन गई। और यहाँ पे मैंने एंट्री लिया, पहला जो टारगेट होगा ये पूरे मोमेंटम का लगभग 40%। मान लीजिए ये पूरा मोमेंटम ये पूरा मोमेंटम 300 का है, तो हमारा 40% कितना हो गया, 120 पॉइंट, ठीक है। ये पूरा मोमेंटम 400 है, तो हमारा पहला टारगेट कितना हो गया, 160 पॉइंट। चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी अगर ये मोमेंटम हमारा, देखिए 200 से कम में तो हम करेंगे नहीं, जब 200 बन गया तो पहला टारगेट, मान लीजिए 200 की ही बनी, तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे कितना निकल गया, 80 पॉइंट का पहला टारगेट हमारा होगा, सेकंड टारगेट 120 पॉइंट का, थर्ड टारगेट हमारा होगा यहाँ पे 150 पॉइंट का, ये टारगेट रखेंगे। अगर मान लीजिए ये 300 का चला हुआ है, तो पहला टारगेट हमारा कितना हो गया, 120 पॉइंट हो गया, सेकंड टारगेट हमारा कितना हो गया यहाँ पे, फिर 160 पॉइंट का सेकंड टारगेट हो जाएगा, तो इसी तरह से आपका थर्ड टारगेट निकल जाएगा। लेकिन
मोमेंटम स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए स्ट्रांग मोमेंटम में ही अगर रिवर्सल बनता है ना तो वो वर्क करता है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में किसी रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस वहाँ पे हो, एक तो रेजिस्टेंस ये बन गया बेरिस इनगल्फिंग बन गया कि बहुत अच्छा मोमेंटम था, अब बायर ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया है, अब यहाँ पे सेलर एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री प्राइस कब होगा, ये सेकेंड कैंडल के नीचे। अब मान लीजिए यहाँ पर भी सेकेंड कैंडल ने आपको एंट्री नहीं दी, थर्ड कैंडल ने आपको एंट्री नहीं दी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वापस क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम फोर्थ कैंडल तक वेट करेंगे, यानी इसके बाद सिर्फ हम थ्री कैंडल, अगर आप बेरिस इनगल्फिंग को कंसीडर कर ले रहे हैं, रेड कैंडल को, इस बड़ी वाली रेड कैंडल को कंसीडर कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम चार कैंडल, यानी बेरिस इनगल्फिंग बनने के बाद सिर्फ तीन कैंडल हम देख रहे हैं कि तीन कैंडल के अंदर में ही हमें यहाँ पे एंट्री मिल जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बेरिस इनगल्फिंग यहाँ पे बन गई है ना तो उसका मोमेंटम देखिए ज़्यादा देर तक अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये फिर से है कि ये बायर के कंट्रोल में अभी भी चल रहा है, क्योंकि बेरिस इनगल्फिंग का लो ब्रेक ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जितना जल्दी यानी तीन कैंडल के अंदर में अगर ये ब्रेकडाउन देता है, हमें एंट्री देता है, तब तो हम ट्रेड करेंगे। अगर फोर्थ कैंडल में ये एंट्री देगा तो वापस हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर हमारा पैटर्न बना जरूर लेकिन इसने हमें ट्रेड नहीं दिया हमारी कंडीशन के हिसाब से। हमारी कंडीशन क्या है कि कम से कम तीन कैंडल के अंदर में ब्रेक डाउन हो जाए। कोई भी कैंडल ने अगर इसका हाई ब्रेक कर दिया, मान लीजिए ये हाई ब्रेक करने के बाद आके यहां पे सेकंड कैंडल मान लीजिए ब्रेक डाउन करती है, तो भी हम एंट्री नहीं करते। ये कैंडल का सबसे हाई होना, सॉरी ये मोमेंटम का सबसे हाई ये रेड कैंडल होनी चाहिए। जो मोमेंटम है, मान लीजिए मोमेंटम 400 से 40,000 से स्टार्ट हुआ और 40,250 के बाद बन रहा, तो ये लास्ट जो कैंडल है ना, बड़ी वाली रेड कैंडल है, यही कैंडल सबसे हाई कैंडल होगी। यानी उस मोमेंटम का मान लीजिए 40,250 का अगर हाई बना है, तो 40,250 का हाई किसने बनाया है, इस रेड कैंडल ने बनाया है। यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनी है उसके बाद ये बन रहा है, तो ये फिर आपका सेटअप परफेक्ट नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। ये रेड कैंडल ही हाई हाई होना चाहिए इस मोमेंटम का, ठीक है। अगर ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स है, तो हम क्या करेंगे, नाइन कैंडल को फॉलो करेंगे। नाइन कैंडल की कम से कम एक मोमेंटम नाइन कैंडल का हमें मिलना चाहिए। अगर कोई स्टॉक देख रहा है, ये फाइव मिनट का चार्ट पे देख, ये सारी चीज़ें मैं ये समझिए कि मैं फाइव मिनट के चार्ट पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं फाइव मिनट फॉलो करता हूँ तो मैं फाइव मिनट बता रहा हूँ। मैं फिफ्टीन मिनट फॉलो ही नहीं करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं फिफ्टीन मिनट पर नहीं बता पाऊँगा। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, तभी आप जाकर ट्रेड करो। मैं फाइव मिनट पर करता हूँ तो इसलिए मैं फाइव मिनट बता रहा हूँ। तो नाइन कैंडल अगर स्टॉक्स है तो क्या चाहिए हमें, अगर किसी स्टॉक्स में हम ये चीज़ें देखें, सेम चीज़ें हम स्टॉक्स में फॉलो करेंगे, तो हमें कम से कम नौ कैंडल का मोमेंटम चाहिए। यहाँ पे नौ कैंडल का मोमेंटम चाहिए, या नौ कैंडल प्लस 1.5% ऊपर जाना चाहिए। इससे कम अगर ऊपर जाने, इससे कम ऊपर गया है और ये नौ कैंडल नहीं बनी है तो भी हम फॉलो नहीं करेंगे। नौ कैंडल बन गई है लेकिन 1.5% का मूवमेंट नहीं हुआ है तो भी हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। अगर 1.5% गया है तो फिर रिवर्सल का पहला टारगेट इसका लगभग 0.75, ठीक है, 0.75% होगा। यानी आप मान के चलिए जो भी मोमेंटम हुआ है उसका 0.5% पहला टारगेट हमारा होगा स्टॉक्स में, सेकंड टारगेट वहां पे रहेगा आपका 1% का। अगर मोमेंटम मान लीजिए स्टॉक्स छोटा, स्टॉक्स बड़ा है, मान लीजिए 2000 का स्टॉक्स है और वो 20 पॉइंट जाने के बाद ये बन रहा है, तो हम उसको ट्रेड नहीं कर रहे हैं। कम से कम हमें 30 पॉइंट जाना चाहिए, कितना, 1.5%। 1.5% के बाद फिर हमें वो 15 रुपये का टारगेट वहाँ पे देके जाएगा। 15 रुपये से 20 रुपये का हमारा पहला टारगेट वहाँ पे रहेगा। 0.75 से लेकर के 1% के बीच में हम पहला टारगेट यहाँ पे रखने वाले हैं अगर स्टॉक्स है। यही कैंडल अगर हम डेली चार्ट में फॉलो कर रहे हैं तो 4 से 5 दिन का मोमेंटम मुझे चाहिए कम से कम। मान लीजिए अब ये भूल जाइए, ये मान जाइए कि ये डेली कैंडल बन रही है और डेली कैंडल हम यहाँ से फॉलो कर रहे हैं, तो यही चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। और यहां पे मैं 3 दिन वेट नहीं कर रहा हूं, ये जाने के डेली चार्ट में मैं 3 दिन वेट नहीं कर रहा हूं, डेली चार्ट में मुझे सेकंड डे ही ब्रेकडाउन चाहिए। बुलिश इनगल्फिंग में अगर नहीं बताया हो तो वहाँ भी यही चीज़ ध्यान रखिए। अगर हमने डेली चार्ट पे देख लिया किसी स्टॉक्स में, मान लीजिए इंडेक्स में मैंने डेली चार्ट में इसको देखा, तो सेकंड कैंडल ही मुझे ब्रेकडाउन चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर डेली चार्ट में कोई चीज़ देख रहे हैं ना तो क्लोजिंग बेसिस पे हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब एंट्री तो इसने इंट्राडे में मान लीजिए हमें दे दी, लेकिन अगर क्लोजिंग इसने जाके इसके ऊपर कर दी या बेरिश इनगल्फिंग जो का जो लो है उसके ऊपर कर दी, तो भी आप ट्रेड लेके जा नहीं सकते, क्योंकि बेरिश इनगल्फिंग के नीचे उसने क्लोज नहीं दिया है। हमेशा ये ध्यान रखना, डेली चार्ट पे ये सारी चीज़ें एक्टिव तब होंगी जब भी डेली चार्ट पे क्लोज कर देगा, डेली चार्ट पे इसके नीचे क्लोज करेगा तब जाके बनेगी। आप बैंक निफ्टी पे जाके देखना बुलिश इनगल्फिंग का, बहुत अच्छा मैंने 4-5 दिन पहले शायद बताया था, मंडे को बताया था या फिर सैटरडे को बताया था मैंने कैंडल, वहाँ पे जाके आप देखना बैंक निफ्टी का। तो डेली चार्ट पे क्लोजिंग इसके नीचे और एसएल वापस फिर से इसके जो इसका हाई है ना उसके ऊपर जाके क्लोज करेगा, तो हम एसएल लेते हैं यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। तो हम इसका एसएल लेते हैं और टारगेट इसका जो रहेगा ना,
ठीक है। तो अगर डेली चार्ट पे ये कैंडल बनी हुई है, तो ये यहाँ से इसकी एंट्री जब क्लोजिंग होगी तो इसकी एंट्री होगी, जो मोमेंटम में जाएगा वो पहला टारगेट आप इसका पकड़ के रख लीजिएगा। मोमेंटम में दो तीन कैंडल रेड बन गई, चार कैंडल रेड बन गई, तो वो आप टारगेट इसका पकड़ के रख सकते हैं अगर डेली में किसी स्टॉक्स में आप देख रहे हैं। तो इंडेक्स में भी सेम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इंडेक्स में टारगेट थोड़ा सा छोटा आपको रखना पड़ेगा, जहाँ पर मोमेंटम ब्रेक हो वहाँ पर आपकी पोजिशन स्क्वायर अप हो जानी चाहिए, क्योंकि हम ये शॉर्ट टर्म की पोजिशन लेके यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लर्निंग ऐप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लर्निंग ऐप भी जो कि 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगी, तो लर्निंग ऐप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, और मिलते हैं।